मोहब्बत की दुकान से नोटों का पहाड़ निकल रहा है। आप सोचिए कि जब दुकान की फ्रेंचाइजी के पास इतना काला धन बरामद हुआ है तो दुकान के मालिक के पास कितने रुपए होंगे। झारखंड में कांग्रेस से राज्य सभा सांसद बने धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह पर आयकर के छापे से मिले नोटों पर प्रदेश भाजपा के महामंत्री और विधायक ओपी चौधरी ने पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए यह बातें कही हैं। का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आप सब लोगों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के सहयोग के लिए। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर भी और पार्टी की ओर से भी बहुत बहुत मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पार्टी के निर्णय अनुसार किया जा रहा है और पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में आपका भाई बहुत धन्यवाद। तो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी पार्टी कर रही है और झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े जो व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को से जो आयकर विभाग की छापेमारी हुई है उसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है। अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है और यह राशि और भी बढ़ने की का अनुमान है। ये इस रेड में देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी यहाँ प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है और जब्त नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि बस कि इसे गिनने के लिए जो आइए श्रीकांत भाई आइए इसे गिनने के लिए जो मशीनें लगाई गई थी वो मशीनें भी खराब हो गई, गिनते गिनते वो मशीनें खराब हो गई। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। बेसिकली हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज देश की राजनीति में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व देश के लिए है, जो जनता से जो लोग पैसा लूट रहे हैं उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी इस बात की मोदी की गारंटी है। जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब हर रोज लिया जाएगा ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना रखा है, यह घटना इस बात का प्रमाण है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास इस तरह से 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है तो इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी इसका जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, उस मोहब्बत की दुकान से जब मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी के गल्ले में 200 करोड़ रुपए निकल रहा है तो राहुल गांधी के दुकान की कल्पना ही की जा सकती है। इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस इस तरह के करतूत कर रहा है और देश को इस तरह से लूटने की इनकी योजना है। इसीलिए सांप और नेवले जैसे कभी एक हो गए हों उस तरह से सभी पार्टियां एक होकर के देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रही हैं। कांग्रेस से जो धीरज साहू है वो 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उनको वहाँ पराजय मिली थी और तीसरी बार उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया है। कांग्रेस से उनका इस तरह का गहरा रिश्ता है, आप फोटोग्राफ देखे होंगे कि आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये छापे की तस्वीरें हैं जिसमें 200 करोड़ रुपए की बरामदगी